हाय गाइस, आप देख रहे हो ये मार्बल ग्रुप वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो फुल वॉच करना, आपको उसमें तरीका मिलेगा देखने का कैसे इस पर पॉलिश होती है, कैसे की सही होती है। बड़ा ही डिफ़िकल्ट काम है, बहुत कम में से देखने को मिलता है। ये देखो कितने ताड़े टूटे हुए इसके, बहुत खंडा है ये। ये देखो किस कदर ये टूटा हुआ पड़ा पत्थर पूरा, किसी पार्टी के यहाँ लगा हुआ पूरे बाथरूम के अंदर, बहुत टूटे हुए हैं ये। देखो इनकी हालत क्या है, उसको अच्छे से धुलाई करके फिर पाती से ऐसे जो केमिकल आपको पसंद हो उस केमिकल से इसकी भराई कर दें, धार बांध दें अच्छे से। देखो ये केमिकल है, हम लोग तो एकर्मी का यूज़ करते हैं, बाकी आप लोग देख लेना। अगर कोई मार्बल पॉलिश वाला ये वीडियो देख रहा है तो जो भी केमिकल आपको पसंद हो वो यूज़ कर लेना, ये AKM कंपनी का है। बाकी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मैसेज कर देना मेरे को, मैं आपको बता दूंगा। देखो ऐसे पूरा सीधे में माल लगा दो, फिर वापस खड़ी पत्ती निकाल दो इस पर। अभी ये धार बंद गई, अभी जो ये बाहर माल दिख रहा है ये ड्रिल मशीन से उतर जाएगा। अगर कोई मकान मालिक भी देख रहा हो, अपने घर के अंदर ऐसा काम कराया हुआ हो, तो ये इस तरीके से ये इसकी धारें तैयार होती है। कॉस्टली पड़ता है, बहुत महंगा ये, जैसे ये पे बहुत खर्चा आता है इस पर। ये देखो ये पॉलिश हुआ पत्थर है, ये केमिकल अपन ने भर दिया, ये केमिकल इस तरह से भरा हुआ है, ये हमने पहले से भर रखा है। ये पॉलिश होने के बाद देखो ये अभी इसमें एक भी धार टूटी हुई नहीं है, एक जैसे ये देखो टूटे हुए, इनमें कितनी धारें टूटी हुई है। फिर ऐसे पत्ती से भर देना आप, आराम से सावधानी से लगाना पत्ती, ऐसे टेढ़ी करके ऐसे माल चढ़ा देना आप। पत्ती अगर खड़ी रखोगे तो फिर अंदर ग्रुप के अंदर माल चला जाएगा, तो फिर वो घसने में दिक्कत होगी। फिर उसको ऐसे 100 नंबर पट्टी से ड्रिल मशीन से माल उतार देना, आराम आराम से चलाना, ज़्यादा ज़ोर से मत चलाना, बट्टी पतली हो वही चलाना, नहीं तो वापस ये जो ये केमिकल लगा हुआ है ये वापस टूट जाएगा, धार जड़ जाएगी वापस से। ये हमारे मिस्त्री देखो ये कर रहे हैं इस तरह के, से आराम से हल्के हल्के हाथ से चलाना आपको मशीन, बड़ी सावधानी से करना है ये काम। ये देखो ये माल दिख रहा है बाहर, ये फिर देखो ये माल उतारने के बाद में ये बट्टी से जो हराकुरम जो घसे वाले मिस्त्री होंगे वो तो समझ जाएंगे, हराकुरम निकाल देना, कटाई कर लेना, फिर 150, 200, 400, 600, 1000 जो भी आप चाहो इतने रीजनल आप मार सकते हो उस पर। ये देखो आप देख पा रहे हो ये बट्टी, ऐसी पतली पतली बट्टी काट के बट्टी से कटाई कर लें, फिर ग्रुप के अंदर चलाएं अच्छे से, माल ध्यान से भरे, ग्रुप के अंदर ना डालें। अगर ग्रुप के अंदर माल डालोगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। देखो ये ग्रुप के अंदर बिल्कुल भी माल नहीं है, धार धार पे माल है। अभी ये कटाई होगा तो धार एकदम सीधी हो जाएगी इसकी, और अपने इसे घस के इसकी धार सीधी करते ना तो ये धार बहुत बड़ी हो जाती, ग्रुप ना बड़ा हो जाता। अब पार्टी को यही साइज चाहिए, इससे बड़ी ना छोटनी चाहिए। ये देखो धार साफ होने लगी ना, थोड़ा मेहनती है, आप लोग देख लेना कर लेना अच्छे से, मेहनत बहुत है इसके अंदर। ये देखो अभी ये दीवार मैंने मशीन से तैयार की है, ग्रुप सारे हो गए फाइनल। अब ये मशीन से मशीन का काम फाइनल, सारे ग्रुप फाइनल करने के बाद में मशीन चलानी है।
फिर मशीन से इसकी जो ऊपर एक्स्ट्रा केमिकल होगा वो उतर जाएगा, कटाई हो जाएगी, मशीन से फाइनल कर देने से। ऐसे सारी बुटियाँ निकाल देना। आगे आप देखना कि पूरी दीवार फाइनल होने की वीडियो है, पैकिंग की हुई है। ये देखो चमक कितनी अच्छी रात के, पत्थर वाइट है थोड़ा, इसलिए ये हल्का सा जॉइंट वॉइंट पे कहीं कहीं से हल्का फुल्का पीलापन आ गया है, वो सही हो जाएगा अपना पे, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ये मशीन चला दी हमने, ये फाइनल होने के बाद का लुक है, ये फाइनल हो गए पूरी। देखो दीवार में कितनी अच्छी शाइनिंग है, ग्रुप भी दिख रहे हैं। ये देखो डिटेलिंग, ऊपर दीवार में चमक आ गई, अंदर ग्रुप के अंदर चमक आ गई। आपने पहले हालत देखी थी इनकी ग्रुप की, क्या थी, क्या कंडीशन थी। अब ये फाइनल करने के बाद ऐसा, भाई लोग बहुत मेहनत लगती है ऐसा काम करने में, बहुत समय भी लगता है। हर किसी मकान मालिक को ये करवाने की क्षमता नहीं होती, करवाने वाला ही करा सकता है। अगर कोई पार्टी देख रही हो, अपने घर पे ऐसा काम हुआ हो, तो कृपया करके मिस्त्री को तंग ना करें। मिस्त्री बहुत मेहनत करता है इस पर, जब जाके ऐसा काम होता है। देख लो आप, ये बंदे दीवार के अंदर दिख रहे हैं, लाइटिंग के अंदर, क्योंकि मिस्त्री की इसमें बहुत मेहनत लग जाती है, बहुत परेशान होता है मिस्त्री इसके अंदर।